वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं पालक की वड़ी। दोस्तों, अगर आपके घर में किसी को पालक नहीं पसंद है तो आप प्लीज ये रेसिपी बना के उनको जरूर खिलाइएगा। आई एम श्योर उनको बहुत पसंद आएगी। चलिए आइए देखते हैं कैसे इसको बनाना है। पालक की वड़ी बनाने में जो हम सबसे पहला काम करने वाले हैं वो ये कि एक स्टीमर में थोड़ा सा पानी को हम बॉईल होने रख देंगे। मैंने यहाँ पर एक बोल लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ कटी हुई पालक। तो मैंने अराउंड आधा किलो पालक ली है जिसको मैंने अच्छे से धो के छोटा छोटा चॉप कर लिया है और ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ मैं इसमें ऐड करूंगी 3/4 कप बेसन और मैं ऐड कर रही हूँ 3/4 कप चावल का आटा। अब हम अपने हाथों से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेक श्योर ये जो बेसन और चावल का आटा है ये पालक के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। दोस्तों, पालक जो है वो धीरे धीरे करके पानी छोड़ती है तो हमको ये प्रोसेस थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है ये सब मिक्स करने में। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। ऐड करूंगी 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे अजवाइन और 1 चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ व्हाइट तिल। और अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस टाइम पे आप देख सकते हो थोड़ा सा मॉइस्चर आ गया है क्योंकि पालक जो है वो धीरे धीरे पानी छोड़ रही है। एंड मेक श्योर आप इसमें नमक बिल्कुल ऐड नहीं करें अभी इस स्टेज तक, नहीं तो जैसे ही नमक और पालक कांटेक्ट में आएगा तो ये एकदम से पानी ज्यादा छोड़ने लगेगी जो कि हमारा डो खराब कर देगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच घी, तो ये बेसिकली मॉइस्चर को रोकने के लिए इसमें ऐड करेंगे। इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच में यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक, तो इस स्टेज पे क्योंकि पालक में एक बेसन और चावल के आटे की कोटिंग हो गई है तो अब हम नमक डाल सकते हैं। और इसी के साथ मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून काला नमक और अब हमें इसे बहुत जल्दी जल्दी मिलाना है क्योंकि अब पालक जो है वो जल्दी जल्दी पानी छोड़ेगी। हमको इस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। ये देखिए इस तरीके का जो डो है ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। देखिए जो हमने पानी बॉईल होने रखा था वो भी अच्छे से बॉईल होने लगा है। अब मैं इसमें लगा रही हूँ एक स्टीमर के लिए इस तरीके से जाली वाला स्टैंड और इस स्टैंड को मैं थोड़ा सा ऑयल से कोट कर दूंगी। तो इस तरीके से मैंने इसमें ऑयल लगाया है, आप अच्छे से ऑयल से कोट कर दीजिए ताकि जो हमारा वड़ी है वो चिपके नहीं इस पे। पालक का आटा हमने अभी डो तैयार किया था उसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगी और हम एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट में उसको इस तरीके से शेप करेंगे। तो बेसिकली मैं अगर इसको आधा आधा करूं तो इस तरीके से आपको उसको ऐसे शेप दे देना है। जो भी आप अपने वड़े का साइज रखना चाहते हैं उतना दीजिए, बट मेक श्योर जब आप इसको स्टीम होने रखेंगे तो ये थोड़ा सा एक्सपैंड होगा। तो ये देखिए इस तरीके का एक ब्लॉक मैंने बना लिया है। सिमिलरली मैं इससे भी एक ऐसा ही ब्लॉक बनाऊंगी। देख सकते हैं मैंने दोनों ही ब्लॉक्स तैयार कर लिए हैं। ये जो हमारे स्टीमर के ऊपर हमको इन दोनों ही ब्लॉक्स को बहुत केयरफुली रख देना है। तो एक मैंने यहाँ रख दिया है ऐसे,
ये मेरा दूसरा ब्लॉक। थोड़ा सा गैप रखना है दोनों ब्लॉक्स के बीच में। अब हम एक ढक्कन से इसको ढककर अराउंड 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। अराउंड 15 मिनट्स हो गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं कि ये पालक के बड़े किस तरीके से पक रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये थोड़े से स्टिफ हो गए हैं, विच मीन्स कि ये अच्छे से स्टीम हो गए हैं। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए मैंने दोनों जो हमारे स्लैब्स बनाए थे बड़े के, उसको मैंने थोड़ा साइड में निकाल लिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा ठंडा कर लूंगी। ये देखिए ये थोड़े से ठंडे हो गए, तो अब मैं इसको कट कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक चाकू लिया है और मैं इस तरीके से इसको कट कर रही हूँ। ये देखिए, तो हमारे जो बड़े हैं वो इस शेप में तलेंगे। सिमिलरली आपको अगर कोई और शेप चाहिए तो आप उसमें भी कट कर सकते हैं। ये देखिए हमने सारे ही पीसेस को अच्छे से कट कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है और ये जो बड़े हैं ये मैं इनमें इस तरीके से डाल दूंगी। तो एक बार में जितने भी बड़े आ जाए आप उतने सारे बड़े इसमें ऐड कर दीजिए। अब इनको गोल्डन ब्राउन होने तक हमको फ्राई कर लेना है। ये देखिए आप देख सकते हैं कि ये बढ़िया गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और सर्व कर लेते हैं।